एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं प्रियांशु भाई, और आज अभी सुनने में आ रहा है कि जो एलएनटी वाली नदी है, बगल से गंगानगर से गुजरती है, उसमें मंदाकिनी नदी में बहुत ज़्यादा पानी का बहाव है। अभी हम वहाँ भी जाएंगे, और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं भाई के हाथ की पट्टी चेंज करने हॉस्पिटल में। उसी रास्ते से जाएंगे, आज गाड़ी नहीं है तो पैदल का मार्ग अपनाएंगे आज हम, 11 नंबर की गाड़ी गाइस। और अभी भाई अभी यहाँ पर कुछ एडिटिंग कर रहे हैं जिनको आ नहीं रही है। अभी भाई यहाँ पर खाली लगे हुए हैं, और अभी हाथ मुँह धो के रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं हॉस्पिटल की ओर, और बीच में मंदाकिनी नदी का बहाव दिखाते हैं आपको कितना तेज हो रहा है आज। तो फ्रेंड्स, बाहर का मौसम आज कुछ इस प्रकार सा हुआ है, और आज मौसम ने छुट्टी की हुई है, आज धूप नहीं लगेगी शायद क्या, हल्की हल्की बारिश आ जा रही है। और हमारे रूम के ठीक बाहर पर हैं कबूतरों का झुंड, जो कि कुछ इस तरफ है, और आज मौसम बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा ख़राब हो चुका है। और अभी रूम कुछ इस प्रकार से हमारा, और ये कुछ ऐसे भसड़ सी मचाई है हमने, आप देख सकते हो, और यहाँ भी देख सकते हो आप इनको। आप कुछ बोलना चाहोगे सर? नो, नेवर। आपको मैंने भी बताया था वीडियो में कि आज एलएनटी वाली जो मंदाकिनी नदी है, आप उसका नज़ारा देख सकते हो, कितना ज़्यादा जल प्रवाह है आज इसमें। और अभी हम यहाँ दूर अपने रूम के पास से हम अभी दिखा रहे हैं आपको वीडियो में, और अभी हम जाएंगे मंदाकिनी नदी के पास कि कैसा है। आपको यहाँ दिख ही रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और सुनने में आज आ रहा है कि रामपुर के पास एक डेड बॉडी भी आई है, जो कि शायद केदारनाथ में बादल भी पड़ा था इसके कारण भी इतना ज़्यादा पानी आया है। और पानी का कलर आप देख सकते हो कितना मटमैला सा आया, पूरा मिट्टी सा हो रखा है। अभी हम थोड़ा और पास जाएंगे, देखते हैं क्या है आज वहाँ का पूरा दृश्य, और आगे टूटा हुआ भी है वो भी आपको दिखाएंगे आज, और उसके बाद हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में। ये गाइस, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं बेडूबगड़ पेट्रोल पंप के जस्ट पास में, और अभी हम आपको दिखाएंगे मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह, क्योंकि आज बहुत तेज आ रखा है। और अभी हम जाएंगे उसके पास, और अभी आगे है शिव मंदिर, ओम नमः शिवाय बोल के निकलते हैं आगे की ओर। और आज तो बारिश ने बहुत ही गंदा हाल कर दिया है, मंदाकिनी नदी में पानी बहुत ज़्यादा है। और अभी हमारे प्रियांशु भाई भी आगे आगे हमसे निकल रहे हैं। प्रियांशु भाई, आज आप जल स्तर देख के कुछ बोलना चाहोगे कि गंगानगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है? अच्छा, तो बस हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप, नीचे की साइड है और ऊपर की साइड है शिव मंदिर, ओम नमः शिवाय। और बस हम चलते हैं आगे की ओर, हमको अभी बहुत दूर निकलना है पैदल। हाँ, आना तो था, और वैसे अभी निकल रहे हैं हम अगस्त हॉस्पिटल की ओर, और अभी हॉस्पिटल है बहुत, और अभी हमको एक गाय मिल चुकी है, और हमारी रोटी बची हुई जो रूम पे, अभी हम गाय को खिलाएंगे, और अभी प्रियांशु भाई देंगे गाय को, क्योंकि ये मारे बिना, और गाय ने एक साथ सारी रोटी खा ली है, बहुत अच्छा। और अब निकलते हैं आगे थोड़ा नदी का जल प्रवाह देखने के बाद। आप देख सकते हो मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह बहुत ही ज़्यादा तेज है, बहुत ही ज़्यादा तेज, और साइड साइड से आपको दिख रहा होगा ये टूट भी चुका है, और पुल का जाने का खतरा भी है। आप देख सकते हो उधर उस साइड से भी टूट चुका है। हाँ, और अभी एक रास्ते की बात करें तो अभी हम जैसे हम एलएनटी जाते थे, और अभी हम इस रास्ते से आते थे यहाँ पर, तो ये रास्ता भी टूट चुका है, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक हो चुका है मंजर। और अभी ये जल प्रवाह आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा जल प्रवाह, और जहाँ हम चल रहे हैं अभी उस चीज़ का भी भरोसा नहीं है कि वो चीज़ समय टूटे। ये देख सकते हो आप, बहुत खतरनाक हो चुका है यार गाइस। एवरीवन, कितना भीड़ यहाँ पे जमा हुआ है गाइस, और अभी तक पानी का बहाव कम नहीं हुआ है रात के 4 बजे से, और सारी लकड़ियाँ देखो एक साइड, और उस साइड आप देख पा रहे होंगे कि कितना भयंकर टूटा है, पूरी रोड ही नीचे आई हुई है, और अभी पता नहीं क्या होएगा। लोगों का जमाव बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, क्योंकि लोग देखने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक मंजर हो चुका है यहाँ पर। अभी चलते हैं आगे की। हेलो गाइस, अभी हमको मिली है बहन हमारी, इसका नाम है खुशी भंडारी, जिसका कोई भी काम नहीं है,
चार पांच दिन तो ये खाली एडमिशन के चक्कर में मार्केट आ चुकी है, और अभी इसका कहना है कि इतने ज़्यादा पानी में मैं गिरूंगी तो मैं बह नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों? ये मैंने नहीं कहा, ये तुम्हारी गलत फहमी आ रही है। मैं तुम्हें कहना चाहूँगी, अगर आप गिरोगी तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि वो पानी दो भागों में बढ़ जाएगा। गाइस कोरोना जा चुका है और अभी हमारी बहन का मास्क नहीं आया, क्योंकि ये इनका फैशन बन चुका है। फैशन है तो मेरी तबीयत खराब, ज़्यादा फैशन में मत आओ लड़की। एकदम जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई एवरी वन यहाँ पर अभी लगे हुए हैं लोग मच्छी पकड़ने पर, और इतनी भयंकर तूफान आधी वाली नदी में यहाँ पर पकड़ी जा रही है मच्छी। जुगाड़ देख रहे हैं एकदम मसाला जुगाड़, उन्होंने बहुत प्यारा जुगाड़ किया है मच्छी पकड़ने के लिए, आप देख सकते हो। शायद फंसेगी और शायद फंस भी रही है। यहाँ एक भैया लगे हुए हैं, वो आ रही है यार मच्छी। हेलो एवरीवन, अभी हम विजयनगर पुल से जा रहे हैं अपने रूम की साइड के लिए, और आज का तूफान भरा नदी बहुत ही भयंकर। मिलते हमें यहाँ पे मिला है ओरियो 2.2। तो फाइनली हाथ में पट्टी लगा के और आपको वीडियो बनाने के बाद, मंदाकिनी नदी का दृश्य दिखाने के बाद पहुँच चुके हैं हम अपने रूम वाले रास्ते की ओर, जो कुछ इस प्रकार की चढ़ाई सा है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, कुछ तैनू फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने, कुछ कन्ने आए इत्थे भुखे फेमदे नाम लै के तेरा अगे आउणा चाहुंदे ने। मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी है, सभी नाल तू दुनिया स्वाद लैंदी है, नाले जिहड़े रस्ते ते तू तुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी। हित कंट्रोल असीं करे।